हाय, वेलकम। कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में आजकल हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग की, और आज ये उसका लास्ट लेक्चर है। आई वुड से कि आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मेनली जो तीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने अभी तक देखी हैं, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की। आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि हम इसको बहुत बड़े डेटा सेट पर चलाएंगे और उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। मतलब हम बहुत बड़े डेटा सेट, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब 10,000, 20,000, 40,000 इतने साइज की लिस्ट बनाएंगे रैंडमली, और फिर उन पर चलाकर टाइम नोट करेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट ने कितना टाइम लिया, मर्ज सॉर्ट ने कितना टाइम लिया, क्विक सॉर्ट ने कितना टाइम लिया। और फिर हम देखेंगे कि कैसे जैसे जैसे सीरीज़ का साइज़ बड़ा होता जाएगा, हम लिस्ट का साइज़ दोगुना करते जाएंगे, वैसे वैसे कैसे इंसर्शन सॉर्ट जो है उसका परफॉर्मेंस एकदम रद्दी होता जाएगा और क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट फिर भी ठीक रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये कोड लिखें, एक चीज़ जो हमें अभी तक नहीं पता वो ये कि हम टाइम कैसे नापें। मतलब हमें ये नहीं पता अभी तक कि कोई फंक्शन कितना टाइम लेता है, ये कैसे निकालें, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक फंक्शन चाहिए, टाइम एट फंक्शन, है ना? तो उसका सूडो कोड लिख लेते हैं। हमें एक फंक्शन चाहिए, टाइम एट फंक्शन, जो कि क्या ले, जो कि एक फंक्शन ले एज एन इनपुट और दूसरा इनपुट ले जो डेटा इस फंक्शन को हम देने वाले हैं, और वो रिटर्न कर दे कि ये जो फंक्शन है वो इस डेटा पर कितना टाइम लेता है, ये रिटर्न करेगा टाइम इट, है ना? तो भाई वो कैसे करेगा कि वो शुरुआत में टाइम मेजर कर लेगा, स्टार्ट टाइम, कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो वो घड़ी देखेगा और मेजर कर लेगा कि शुरुआत में कितना टाइम हो रहा है। उसके बाद तुम क्या करोगे कि तुम रन कर दोगे फंक्शन को, तो तुम कह दोगे कि आउटपुट बराबर जो फंक्शन तुम्हें मिला था उसको डेटा पर अप्लाई कर दोगे, तुम्हें आउटपुट मिल गया। उसके बाद जब ये रन कर लेगा तो जितना भी टाइम इसको लेना है ये ले लेगा, ठीक है, ये फंक्शन उस डेटा पर। उसके तुरंत बाद तुम टाइम नाप लोगे, एंड करंट टाइम। भाई कोई रेस होती है तो उस रेस में जो दौड़ रहा है उसने कितना टाइम लिया कैसे नापते हो? जब उस आदमी ने दौड़ना चालू किया तब घड़ी देखते हो, ठीक है, और जब वो आदमी ख़त्म कर लेता है रेस तब घड़ी देखते हो कितना टाइम हो रहा है। जितना टाइम बीता वो तुम्हारा टाइम हो जाता है, उस आदमी ने दौड़ने में कितना लिया, वही आइडिया है। तो तुमने स्टार्ट टाइम देख लिया, एंड टाइम देख लिया, रिटर्न कर दो, रिटर्न एंड टाइम माइनस माइनस स्टार्ट टाइम। तो इतना सा आइडिया है टाइम एट फंक्शन का, है ना? आई होप कि ये समझ आ गया होगा। तो यही कर रहा हूँ मैं बस। तो इससे पहले कि पाइथन कोड मैं लिखूँ, आप जो है एक बात ये समझो कि पाइथन जो होती है उसमें मॉड्यूल्स होते हैं। तो हम टाइम कैसे नापें उसको देखने के लिए ऐसे देखो, पाइथन में तुम जो है कोई मॉड्यूल अगर तुम्हें इंपोर्ट करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि इंपोर्ट टाइम। टाइम एक पूरा मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं। जैसे टाइम मॉड्यूल में फंक्शंस होंगे तो टाइम एक फंक्शन है मॉड्यूल के अंदर, टाइम डॉट टाइम, और ये तुम्हें मिल गया टाइम जो हो रहा है सेकेंड्स में। तुम एक मॉड्यूल में से फंक्शंस भी इंपोर्ट कर सकते हो, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट टाइम। तो तुम बोल रहे हो कि फ्रॉम टाइम मॉड्यूल, जिसमें कि खूब सारे फंक्शन होते हैं, इम्पोर्ट टाइम फंक्शन। तो तुमने टाइम फंक्शन कर लिया तो तुम टाइम रन कर सकते हो, ऐसे तुम्हें मिल सकता है। तो तुम्हारा अगर टाइम एट फंक्शन देना है तो तुम कैसे लिख सकते हो कि भाई डेफ टाइम एट, और तुम्हें एक फंक्शन लेगा वो इनपुट और डेटा लेगा। फिर तुम क्या करोगे, बाय द वे वो इम्पोर्ट कर लो, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट टाइम, ठीक है, और जो है स्टार्ट टाइम मेजर कर लो, स्टार्ट टाइम बराबर टाइम। उसके बाद तुम फंक्शन रन कर दो, जो फंक्शन तुमने इनपुट लिया था, डेट नहीं डेटा, ठीक है, फिर एंड टाइम मेजर कर लो टाइम, ठीक है। ये जो टाइम फंक्शन है वो सेकंड में ही टाइम देता है, जैसे कि देखो टाइम अभी कुछ तो उसके एक आध 2 सेकंड बाद मैं देखूंगा तो 63 और 65 2 सेकंड हुए थे। अगर मैं अब कैलकुलेट करूंगा 5-7 सेकंड हुए होंगे, 7 सेकंड हुए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड्स में टाइम रिटर्न करता है, तो सिंपली टाइम रिटर्न कर दो
रिटर्न एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, और चाहो तो कमेंट लिख सकते हो कि रिटर्न्स द टाइम इन सेकंड्स। तो अब ये हमने फंक्शन लिख लिया है टाइमिट फंक्शन, जो कि एक फंक्शन लेगा इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा लेगा इनपुट, फंक्शन रन करेगा डेटा पे और उस फंक्शन ने कितना टाइम लिया ये मेजर कर लेगा। ये जो फंक्शन है आगे वाले सेक्शन में बड़ा काम आएगा। एक और बात नोट करने वाली ये है कि ये पहला कोड हमने लिखा है जिसमें कि आपने इनपुट में ही एक फंक्शन दे दिया है। ऐसा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संभव नहीं हो पाता, पाइथन ये अलाउ करती है जिसमें कि आप एक फंक्शन लिखो और उस फंक्शन को ही इनपुट दे दो किसी और फंक्शन के, ठीक है। एनीवेज, तो दूसरी चीज़ जो हमें चाहिएगी वो चाहिए होगी कि हमें खूब सारा लार्ज डेटा चाहिए होगा। भाई हमें दो चीज़ें चाहिए इस काम के लिए। पहली चीज़ तो हमें चाहिए टाइमिंग एनालिसिस करने के लिए कि हम अगर किसी चीज़ को सॉर्ट करें तो सॉर्ट को टाइम में सॉर्ट करने में कितना टाइम लगा, टाइम मेजर करना पड़े आना चाहिए हमें। एक फंक्शन उसके लिए लिख लिया हमने। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो ये कि कोई लिस्ट चाहिए जो कि हम सॉर्ट कर पाएँ, है ना। तो वो लिस्ट कैसे हम लाएंगे, तो उसके लिए हम उन लिस्ट को रैंडमली बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए अलग एक और मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल पाइथन में, और उस मॉड्यूल में से तुम रैंडम फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हो। और जब तुम जस्ट डालोगे रैंडम तो एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, और जितनी भी बार मैं कॉल करूँगा वो रैंडम नंबर जनरेट कर देगा 0 से 1 के बीच में, और जब भी मैं बस एक नंबर रैंडमली जनरेट हो जाएगा। आप अगर इसे रन करेंगे तो कुछ और नंबर आएंगे आपकी स्क्रीन पर वो रैंडम होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे रैंडम अगर मिल जाए तो मैं सिंपली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होती है वो यूज़ कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि रैंडम फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, तो इससे क्या होगा कि मुझे 5 नंबर मिल जाएंगे। आई इन रेंज ऑफ 2 मुझे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो बेसिकली फॉर आई इन रेंज ऑफ 2 मतलब आई जब 0 से 1 हो उसमें रैंडम लगाते जाना, तो ये जो है बेसिकली 2 बार रैंडम नंबर कॉल करेगा और लिस्ट में इकट्ठा कर देगा। तो जो है 5 एलिमेंट हम जो है इस तरह जनरेट कर सकते हैं कि रैंडम फॉर आई इन रेंज 5 वो हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये भी आ गया कि हम रैंडम नंबर कैसे जनरेट करें और उनसे लार्ज बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। अगर हमें 2000 नंबर की लिस्ट बनानी होगी तो बस हम यहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ पर 2000 लिख देंगे, हमें मिल जाएगी लिस्ट 2000 नंबरों की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बस एक काम और ये कर लो कि क्योंकि हम वो सारे कोड एनालाइज करने वाले हैं जो हम पिछले 3 लेक्चरों में लिख कर आए हैं, तो अगर आपके पास नहीं हो तो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो और उन सबको एक फ़ोल्डर में डाल दो। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे एक फ़ोल्डर बनाया है एनालिसिस, आप चाहो तो एक फ़ोल्डर बना सकते हो एनालिसिस, और उसमें ये सब फाइल मैंने डाली हैं ls-l। एनीवेज, उसमें ये सब फाइल मैंने डाली हैं quicksort.py, mergesort.py, insertionsort.py और analysis.py जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आपके पास analysis.py हो जो कि हम लिख रहे हैं, उस डायरेक्टरी में insertionsort.py हो, mergesort.py हो और quicksort.py हो, और इन सब फाइलों में क्या होगा वही कोड होगा जो हम पिछले लेक्चरों में लिख के आए हैं, जैसे insertionsort ये है, mergesort ये mergesort है, समझ रहे हो। तो जो है पिछले वाले कोड आप एक डायरेक्टरी में रख लो, इससे क्या होगा हम उन्हें यहाँ पर इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये हमने अपने आप को सेटअप कर लिया, तो चलो अब हम कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास सब हमने सेट कर लिया, अब हम 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथमों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई हम रैंडम डेटा जनरेट कर लेंगे कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। टाइमिट फंक्शन हमारे पास आ गया है, तो हम सबसे पहले डेटा एक तो जनरेट कर लें, जनरेट सम लार्ज डेटा, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। D1 मैंने डेटा सेट जनरेट कराया 2500 लिस्ट का,
D2 मैंने डेटा सेट जनरेट करा है 5,000 लंबाई का, D3 जो लिस्ट है उसकी लेंथ 10,000 है, D4 20,000 का है, मतलब कि लिस्ट बड़ी होती जा रही है। अब मैं क्या करूँगा, टाइम निकालूंगा D1 पर, D2 पर, D3 पर। ऑब्वियसली टाइम बढ़ते जाना चाहिए, D1 पर कम टाइम लगेगा, D6 पर बहुत टाइम लगेगा क्योंकि लिस्ट बड़ी है। और अब मैं इन 6 डेटा सेट्स के अगेंस्ट क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट तीनों चलाऊंगा और फिर हम देखेंगे कैसे कितना कितना टाइम ये तीनों एल्गोरिथम लेती हैं। तो सबसे पहले हम वो करें, हम यहाँ इंपोर्ट कर लें उन्हें, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में इंसर्शन सॉर्ट है तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो इससे आपको ये भी क्लियर होगा कि ये इंपोर्टिंग कैसे वर्क करती है। इस डायरेक्टरी में इंसर्शन सॉर्ट डॉट पी वाई है, तो इंसर्शन सॉर्ट डॉट पी वाई जो है, जो कि फाइल का नाम है, वो तो हो गया मॉड्यूल का नाम, और जो फंक्शन का नाम है वो आप वहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो तो वो हो गया फंक्शन का नाम। अगर यहाँ फंक्शन का नाम इंसर्शन सॉर्ट 1 2 3 होता तो यहाँ पर आपको इंसर्शन सॉर्ट 1 2 3 लिखना पड़ता, समझ रहे हो। इसी तरह अगर फाइल का नाम xyz.py होता तो यहाँ पर आप लिखते फ्रॉम xyz इम्पोर्ट इंसर्शन सॉर्ट। तो इतना ध्यान रखने वाली बात है कि काइंड ऑफ मॉड्यूल का, काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, मॉड्यूल हो गया फाइल का नाम और उस फाइल में जो फंक्शंस हैं वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो, ये हो गया फंक्शन का नाम। इसी तरह आप फ्रॉम मर्ज सॉर्ट इंपोर्ट कर लोगे मर्ज सॉर्ट, और क्विक सॉर्ट से आप इंपोर्ट कर लोगे क्विक सॉर्ट। और ये सब फाइलें मेरे कंप्यूटर पे हैं जो कि मैं पहले लिख के आया था, जैसे कि मर्ज सॉर्ट ये है जो हम लिख के आए थे, उसमें मर्ज सॉर्ट फंक्शन है। इसी तरह मेरे पास क्विक सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट जो है हम पिछले लेक्चर में लिख के आए थे क्विक सॉर्ट डॉट पी वाई में, तो ये सब वर्क करेगा, ठीक है। अब बस हमें प्रिंट करना है तो चलो प्रिंट कर लेते हैं। तो जो है मैंने ये पहले से लिखे हुए हैं, मैं बस यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इससे जो है फॉन्ट कम कर देता हूँ। तो लेट मी कॉपी पेस्ट। देखो तो अब बेसिकली ये मेरा कोड तैयार हो गया। पहले मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखे, फिर हमने टाइम इट फंक्शन लिखा था जो कि किसी फंक्शन को टाइम इट करता है, टाइम करता है। उसके बाद हमने डेटा सेट जनरेट किया और अब मैं बस ये कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा फोन छोटा कर दूँ, है ना, अब देखना आसान है। तो अब मैं बस इतना कर रहा हूँ कि 2,500 के लिए क्विक सॉर्ट कितना टाइम लेगी, उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर 2,500 क्विक सॉर्ट टेक्स परसेंट एफ सेकेंड, और जहाँ पर परसेंट एफ लिखा हुआ है वहाँ पर ये वैल्यू जो है टाइम इट की वो आ जाएगी रिटर्न होके। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले पाइथन करो, ठीक है, फ्रॉम क्विक सॉर्ट इम्पोर्ट क्विक सॉर्ट कर लो, ठीक है। अब अगर मैं क्विक सॉर्ट कॉल करता हूँ, मान लो किसी डेटा सेट्स पर, मान लो -2,3,1 पर अगर मैं कॉल करता हूँ तो वो सॉर्ट हो जाता है। अच्छा, फ्रॉम टाइम इट इम्पोर्ट, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट टाइम कर लो, सॉरी फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट रैंडम कर लो, ठीक है, और एक डेटा जनरेट कर लो रैंडम ऐसे D1, ठीक है। तो D1 जो है 2,500 लेंथ की लिस्ट आ गई, लेंथ ऑफ D1 इतना है। तो अब मैं अगर और टाइम इट फंक्शन भी यहाँ पर दोबारा लिख लो, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट टाइम, और यहाँ फंक्शन दोबारा लिख लो टाइम इट फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ बोलूँगा कि भाई टाइम इट क्विक सॉर्ट D1, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा कितना टाइम क्विक सॉर्ट ने लिया, समझ लो 0.02 सेकेंड लिए। अगर मैं मान लो D2 लेता जो है, D3 लेता 10,000 का डेटा, और मैं कहता कि भाई टाइम इट क्विक सॉर्ट बताओ D3 पर कितना टाइम लेगी, तो वो बताता कि 0.099 सेकेंड लेगी, मतलब करीब 0.1 सेकेंड, समझ रहे हो। तो ये हो रहा है, तो
तो मैं केवल ये प्रिंट कर रहा हूँ कि 2500 नंबरों के लिए क्विक सॉर्ट कितने सेकंड लेती है, 5000 नंबरों के लिए क्विक सॉर्ट कितने सेकंड लेती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरह उसी सेम डेटा सेट पर मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लेगा और इंसर्शन सॉर्ट कितना टाइम लेगा। और तुम आज हमेशा के लिए सीख जाओगे कि इंसर्शन सॉर्ट या कितनी खराब होती है। तो देखो, क्विक सॉर्ट चल रही है 2500 सेकेंड के लिए 0.02 सेकेंड, 5000 के लिए 0.04 सेकेंड, 10000 के लिए क्विक सॉर्ट ने 0.1 सेकेंड लिया, 80000 के लिए क्विक सॉर्ट ने लगभग 1 मिनट लिया। फिर मर्ज सॉर्ट चालू हुई, मर्ज सॉर्ट ने 0.02 सेकेंड लिया, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा ज़्यादा। 5000 नंबरों के लिए 0.049, थोड़ा सा ज़्यादा बट काइंड ऑफ सेम, 0.48 लिया जो है 40000 के लिए, और 80000 के लिए 1.016। लगभग मर्ज सॉर्ट जैसा परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा ख़राब है। और इंसर्शन सॉर्ट देखो, बाप रे, 2500 नंबरों के लिए 0.58 सेकेंड कंपेयर टू 0.02, 29 गुना ज़्यादा, 0.04 सेकेंड के मुकाबले 2.3 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। 10000 नंबरों को सॉर्ट करना है केवल, 0.1 सेकेंड लेता है क्विक सॉर्ट, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, और इंसर्शन सॉर्ट लेता है 10 सेकेंड। 20000 नंबरों के लिए 0.2 सेकेंड कंपेयर टू इंसर्शन सॉर्ट लेता है 40 सेकेंड, और हर 40000 नंबरों के लिए इंसर्शन सॉर्ट करीब 160 सेकेंड लेता है, और 80000 नंबरों के लिए जहां क्विक सॉर्ट 1 सेकेंड में आंसर रिटर्न कर देता है, 1 सेकेंड में, इंसर्शन सॉर्ट में चलाऊंगा नहीं पर 10 मिनट लेगा। तो आज के बाद हमेशा के लिए, मतलब दिस इज़ अमेजिंग, आज के बाद हमेशा के लिए ये बात जरूर गांठ बांध लेना कि बैड एल्गोरिथम अगर आप लिखोगे तो उसकी पेनल्टी आपको तुरंत चुकानी पड़ेगी। 80000 नंबर सॉर्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। किसी भी नेशनल एग्ज़ाम में 80000 से कम बच्चे बैठते हैं, 80000 से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। तो 80000 नंबरों को सॉर्ट करना कोई ऐसा नहीं है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। मतलब आपको भी रियल लाइफ में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती है, और उस प्रॉब्लम पर इतनी बड़ी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप क्विक सॉर्ट लिखते तो आपको 1 सेकेंड लगता प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और इंसर्शन सॉर्ट करते तो 10 मिनट लगता। समझ रहे हो? एक और बात जो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट कहीं गुना फास्ट हैं इंसर्शन सॉर्ट से। दूसरी बात मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे डेटा सेट बढ़ रहा है वैसे वैसे पेनल्टी इंसर्शन सॉर्ट की कहीं गुना तेज़ी से डिके कर रही है। एक बात ये देखो कि 2500 नंबर के लिए 0.5 सेकेंड लगते हैं लगभग, 5000 नंबर के लिए लगभग 2 सेकेंड, 10000 नंबर के लिए लगभग 8 सेकेंड, 20000 के लिए 34 सेकेंड। कैसे हर बार 2 से डेटा साइज बढ़ाने पे टाइम कैसे 4 गुना बढ़ रहा है? देख रहे हो, 34 का 4 136, मतलब लगभग 143 सेकेंड, उसका 4 गुना 560, 572। तो कैसे नंबर का साइज 2 गुना बढ़ाने से टाइम 4 गुना बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं ऑर्डर एन स्क्वायर एल्गोरिथम। ऑर्डर एन स्क्वायर एल्गोरिथम जो होती हैं वो डेटा को एन दुगने पे बढ़ाने पे 4 के फैक्टर से बढ़ती हैं, और ये बहुत बुरा है। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट इन प्रॉब्लम से नहीं गुजरते। आप देखो कैसे 2500 के लिए 0.01, 5000 के लिए 0.04, फिर 10000 के लिए 0.09, फिर 0.2, फिर 0.4, कैसे 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.4 है, फिर 0.92 है। प्रॉब्लम जो है लगभग लगभग दुगना बढ़ रहा है। डेटा अगर 2 से बढ़ रहा है तो 4 गुना बढ़ने की वजह से लगभग लगभग 2 गुना, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 0.4 का 2.25 गुना हो गया जो है दुगना, 80000। 0.1 का ऑलमोस्ट दुगना है 10000 से 20000 जाने में, ना कि 4 गुना। एंड दिस इज़ गुड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जो हैं वो एन लॉग एन टाइम लेती हैं, अगर डेटा साइज़ एन है तो। तो एक बात और जो गांठ बांध लो हमेशा के लिए कि अगर कोई एन स्क्वायर एल्गोरिथम है तो वो कहीं गुना बुरी है कंपेयर टू एन लॉग एन
एल्गोरिथम से। अगर ये एन स्क्वायर एन लॉग एन आपको नहीं भी समझ आ रहा, उसे उचका दो। बेसिकली इतना बात है कि एल्गोरिथम ऐसा लिखो जो कि एफिशिएंट हो और तेज़ चले। और अगर एल्गोरिथम बुरा है तो बहुत जल्दी, अगर आपको 10, 25, 50 नंबर सॉर्ट करने हैं, इट डजेंट मैटर, चाहे वो 0.5 सेकेंड ले चाहे 0.01 सेकेंड ले, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको 1 लाख नंबर जो है सॉर्ट करने हैं, तो फ़र्क बहुत ही क्लियर होगा, और 1 सेकेंड की बजाय 10 मिनट। समझ रहे हो? तो ये बात गांठ बांध लेना। तो इस लेक्चर में फाइनली आज हम सॉर्टिंग कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम काफ़ी दूर आ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, अगर आपने सारे लेक्चर फॉलो किए। तो हमने पहले लेक्चर में बात करी थी सॉर्टिंग क्या होती है, उसे प्रमोट किया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखा था, उसके बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था और इम्प्लीमेंट किया था, फिर मर्ज सॉर्ट पढ़ा था और इम्प्लीमेंट किया था, फिर क्विक सॉर्ट पढ़ा था और इम्प्लीमेंट किया था। आज हमने उन सब चीज़ों को जिनको पढ़ा एक साथ रखा, टाइम इट फंक्शन के बारे में सीखा, जो कि एक फंक्शन लेता है इनपुट और डेटा लेता है और बताता है कि उस फंक्शन ने चलने में कितना समय लिया, और हमने फिर उसे इंसर्शन सॉर्ट पर चलाया 2500, 5000 से लेकर 80000 नंबर तक, और देखा कि कैसे इंसर्शन सॉर्ट का परफॉर्मेंस एकदम ही जो है बेकार होता चला गया। सॉर्टिंग बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस में, और इसके अच्छे एल्गोरिथम फाइंड करने में बहुत रिसर्च गई है। सोचो कि क्या होता अगर अच्छी सॉर्टिंग एल्गोरिथम दुनिया में नहीं होती, कि आप फेसबुक पे लॉगिन करते और इससे पहले कि आपकी फ़ीड फेसबुक दिखाता, बहुत देर तक जो है वाइट पेज आता रहता, और इतना सारा टाइम वो जो है सॉर्ट करने में ही निकलता, या फिर आप गूगल सर्च करते और गूगल बहुत देर के लिए ब्लैंक आता, क्योंकि वो सारा टाइम सॉर्ट ही कर रहा है। तो आई थिंक लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। 2 होमवर्क प्रॉब्लम मैंने दी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।